पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान की पहचान है, और आप है एलिया इमरान खान, बुशरा इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। इन्होंने खान की बीवी के साथ क्या किया ये मैं आपको हल्फन बता रही हूँ। इन्होंने मुझे खाने में हार पे खिलाई, 20 दिन तक मैं बात नहीं कर सकती थी। लेकिन उसको छोड़ें, क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए हमारे लीडर खान के ऊपर। बस मैं इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप लोग खुदारा अपने घरों से निकले। कब तक आप लोग चुप करके सिर्फ टीवी पे तमाशा देखेंगे? इन्होंने हमारे लिए सारे टीवी चैनल्स को, होटल्स को, रास्ते में हर चीज को बंद कर दिया। उसके बावजूद भी अल्लाह ने सारी मुश्किलें हटा के हमें आज आप लोगों में खड़ा किया है, और आप सब यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे रब का एहसान नहीं है तो क्या है? अल्लाह ताला खुद बता रहे इंसान को कि वो सच्चा है और वो बड़े गुनाह जेल में है, तो लोगों को क्यों नजर नहीं आता? खान ने तो हमेशा कहा है कि फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है, फिर लड़ाई किस चीज की? मैंने आप लोगों से सबसे गुजारिश करनी थी, हम डी चौक जाएंगे, अगर हमें वहाँ धरना देना पड़ा हम वहाँ धरना देंगे। अगर किसी को खाने की कमी हो, पानी की कमी हो, तो आपने वो जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि ये हक के खिलाफ होता है। अल्लाह आजमाता है, अल्लाह ने जब तक नहीं चाहेगा कोई भूखा नहीं रहेगा। और सबने बंदोबस्त करना है, अगर हम वहाँ रहेंगे बिल्कुल रहेंगे जब तक हमें खान नहीं मिलेगा। आप सबने टैंक्स का भी बंदोबस्त करना है। दूसरा मेरी इंतजामिया से अपील है कि मुसलमान भाई मुसलमान को नहीं मारता, ये पुर अमन लोग हैं, हम पुर अमन तरीके से आ रहे हैं, फिर आप हम पे शेलिंग क्यों करते हैं? जबकि हम खान सिर्फ हक और सच की आवाज के लिए लड़ रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो हक के लिए खड़ा है, फिर आप शेलिंग क्यों करते हैं? फिर लोगों को जख्मी क्यों करते हैं? इस्लामाबाद और पिंडी, ये आपके पास आखिरी मौका है, आपको अपने मुल्क के लिए निकलना पड़ेगा। और जो काफिले पाकिस्तान में यहाँ से पहुँचे हैं आपको उनका ख्याल करना पड़ेगा, और आप सब वादा करें, हलफ लें कि खान को लिए बगैर अब कोई नहीं जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत शुक्रिया। आज खान की एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान यहाँ इकट्ठा है, ये गवाही दे रहा है कि वो बेगुनाह जेल काट रहे हैं। मैं आपको बताती जाऊं, जो जेल में जिस तरीके से खान को अटक में रखा गया वो एक लंबी कहानी है। कोई भी सियासी, जितने भी यहाँ पे सियासी लोग हैं, कोई भी ऐसी जेल नहीं काट सकता जो आपके लीडर ने काटी और जो इन्होंने आपके लीडर के साथ किया है। जब खान को सुनिए, जब ये खान को अटक लेके गए, इन्होंने हमें एक हफ्ता मिलने नहीं दिया खान से, फिर हम जबरदस्ती खान पहुंचे। जब हमें खान से मिलने दिया, एक हफ्ते में खान सूख के बिल्कुल ऐसे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। ना इन्होंने खान को बिस्तर दिया, ना इन्होंने खान को कोई चादर दी, एक छोटा सा सेल जिसको काल कोठरी कहा जाता है उसमें इन्होंने खान को रखा। अब सुनते जाए, आप पहले सुनते जाए, उस काल कोठरी में खान को रखा, और वो इतनी गंध से भरी हुई थी कि आप उसका तस्वीर ही नहीं कर सकते। खान को जमीन पे सुलाया जाता था, फिर जब मैं गई खान ने खुद कुछ नहीं बताया। मैं उनसे पूछती थी आपकी आंखें क्यों सूजी हुई है, वो कुछ नहीं हुआ। मैं कहती नहीं आप बताएं आपकी क्या आंखें क्यों सूजी हुई है। मैं इतने दिनों से सही तरह वो सो नहीं सके। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ना चटाई है ना चादर है।
मुझे इन्होंने कुछ नहीं दिया और जमीन पे इतना गंद है कि इंसान सो ही नहीं सकता। हमने शोर मचा के जब कहा कि खान को चारपाई दी जाए, तो आपको पता है उन्होंने खान को कैसी चारपाई दी? ऐसी, ताकि ना खान उसमें सीधा सो सके ना करवट के बाजू का, मतलब ऐसे बीच में से गिरी हुई। ये आपके खान के साथ किया। एक बाल्टी पानी दिया जाता था जिसमें वजू करो और जो बाथरूम के लिए भी इस्तेमाल होगी। कितने महीने उनको शीशा नहीं दिया गया, ना वो शेव कर सके, और जब मैं उनसे मिली उनका मुंह भी नहीं धुला हुआ था, वो 8 या 9 दिन था। तो खान के साथ इन्होंने बहुत कुछ किया। अगर किसी और सियासी रहनुमा के साथ ये करते तो यकीन माने वो कब के हाथ खड़ा कर चुका था। खान ने एक बात कही कि मैं जिंदा हूँ अपने मुल्क के लिए, मैं मरूंगा अपने मुल्क के लिए, ताकि मेरा रब मुझसे पूछे तो मैं कहूँ कि जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। फिर सुने, पहले सुने सुने, और अब अडियाला जेल में, सुने अडियाला जेल में इन्होंने खान को अंधेरे में रखा। आप मुझे बताएं, एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन ऐसे करता है? कोई और सियासी जमात का लीडर होता, वो डील करके कब तक अपने घर में बैठा होता। और खान सिर्फ आप लोगों की वजह से खड़ा है और खड़े रहेंगे। अब आप लोगों ने ये वादा करना है कि जब तक खान हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे, आप बीचों को नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी औरत होंगी खान को लिए बगैर डीचौक से नहीं निकलूंगी। और अगर आपको कोई ये कहे कि बीवी छोड़ के चली गई है, तो ये झूठ होगा। दूसरा, खान ने जो मुझे लायमल दिया था वो पार्टी को अमानत के तौर पे मैंने दे दिया। खान एक शाहीन है जिसकी परवाज हमेशा ऊंची होती है, और खान के साथ जितने गिद्ध थे वो सब झड़ गए। आपको खुद पता होगा कि गिद्ध और शाहीन में क्या फर्क होता है। शाहीन की परवाज ऊंची होती है, वो ताजा खुराक खाता है और जो उसकी जरूरत नहीं होती उसको फेंक देता है, और गिद्ध हमेशा शाहीन के मुताबिक परवाज करने की कोशिश करता है और परवाज करता भी है, लेकिन जहां उसको मुर्दार नजर आता है वो वहीं पे गिर जाता है। नाजरीन इकराम, ये वीडियो तो आपने देख ही ली। नाजरीन, अब बात करते हैं फाइनल कॉल की। आज दिन है मंगल का और तारीख 26 नवंबर। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। पुलिस ने भरपूर शेलिंग की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने तमाम रुकावटें अबूर करते हुए रात उन्होंने 26 नंबर पर पुलिस की फस्तायत का मुकाबला किया, और करते करते उन्होंने रात से लेकर सुबह तक अब वो G9 मरकज़ तक पहुंच चुके हैं। और जो रास्ता आता है डी चौक से G9 तक, ये चंद ही किलोमीटर का है। नाजरीन, अब वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक पहुंच जाएंगे। लग तो ऐसा रहा है नाजरीन, इनकलाब आने ही रहा आ चुका है। नाजरीन, आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि क्या कारकुनान डी चौक पहुंच जाएंगे? नाजरीन, एक और बात, रात रेंजर्स के भी 3 अहलकार शहीद हुए। रेंजर्स के अपने ही, मतलब अपनी ही गाड़ी से वो गिरे और पीछे से दूसरी गाड़ी उनको हिट करते हुए गुजर गई और 3 अहलकार शहीद हो गए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी शदीद ज़ख्मी हुए और उसमें शहीद होने की इतलात भी आ रही हैं। तो नाजरीन, पुलिस को चाहिए कि अवाम पर स्ट्रेट फायरिंग ना करे। नाजरीन, आपको क्या, आपकी क्या राय है कि पुलिस को अवाम के साथ ये सलूक अपनाना चाहिए या नहीं? इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।